नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको ये 10 संकेत मिलते हैं, 10 लक्षण आपके अंदर हैं, तो आपसे बजरंगबली हनुमान जी प्रसन्न हैं। हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे जागृत देवता हैं जो बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, एकमात्र का शब्द यहाँ पर सिर्फ प्रसन्न करने के लिए है, संकट हरने के लिए है। वैसे तो और भी बहुत सारे जागृत देवी देवता हैं। ये ऐसे देवता हैं जो सभी युगों में साक्षात विद्यमान हैं। भगवान बजरंगबली बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए आपको हमेशा हनुमान जी या फिर श्री रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप बजरंग बली की पूजा नहीं कर पाते हैं तो माता सीता या प्रभु श्री रामचंद्र जी की अगर आप पूजा करते हैं तो भी आप पर विशेष कृपा होती है, क्योंकि भगवान बजरंग बली के हृदय में पूरा राम परिवार रहता है। जब हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते जाते हैं तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि आपको हनुमान जी या राम जी सपने में किसी भी प्रकार से दर्शन देते हैं, और कहीं ये सपना अगर ब्रह्म मुहूर्त में हो, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यहाँ पर वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के बहुत डीप मायने होते हैं, जो अगर मैं समझाऊंगा तो फिर ब्रह्म मुहूर्त पे ही एक विशेष वीडियो बनाना पड़ेगा, और वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ब्रह्म मुहूर्त का मैं एक एवरेज अगर पकड़ के चलता हूँ तो 4 से 5:30 बजे का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। उस समय में अगर आपको ये दर्शन हो जाते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है और आप पे भगवान की विशेष कृपा है। यदि आपके घर में रामायण का पाठ होता रहता है या राम जप चलता रहता है या नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वो व्यक्ति भयमुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता है। निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक, न्यायप्रिय और विनम्र हैं तो निश्चित ही आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं। जिस भी इंसान से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, दुश्मन उसका कुछ करने की हिम्मत नहीं रख सकता है। दुश्मन सदा ही अपने आप धराशायी हो जाता है। ऐसे लोग एक अच्छे लीडर, एक अच्छे सैनिक, एक अच्छे पुलिस वाले, एक उच्च पद पर अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे होते हैं, और हनुमान जी कृपा पर हमेशा बनी रहती है। यदि हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं, बजरंग बली आपसे प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा और कष्ट नहीं आता है। उसके हर कार्य आसानी से होते चले जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है, मतलब कहने का मतलब एक ठहराव आ जाता है, एक पूरी प्रकार से उसको सुख मिल जाता है, जो सुख की वो कामना करता है। कभी जीवन में कोई अड़चन नहीं आती है। यदि आप मन, वचन और कर्म से एक और पवित्र हैं, अर्थात आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं, यानी आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसा नहीं है। जो आप कहते हैं वही आप करते हैं, परोपकारी हैं, दूसरों के प्रति दयालु हैं, सभी जीवों पर समान दृष्टि बनाते हैं, समान भाव से देखते हैं, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का मांस का भक्षण नहीं करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, अपने आसपास के लोगों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, फिर चाहे कोई इंसान कितना भी आपके लिए गड्ढा खोद दे, लेकिन आप वैसा नहीं करते हैं। और अगर कोई इंसान आपके लिए गड्ढा खोदेगा तो वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि साक्षात पवन पुत्र केसरी नंदन आपके साथ हैं। आप पर अगर किसी भी प्रकार से शनि की 7.5 ढैया कुंडली में बैठे किसी प्रकार के ग्रहों की पीड़ा होती है, खास करके राहु केतु, तो भी उसका असर नहीं होता है, तो निश्चित ही मानकर चलिए कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। यदि आपके बड़े या छोटे भाई एवं सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं, आगे रहकर आपकी मदद करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि हनुमान जी की आप पर कृपा है।
आठवां पॉइंट है, यदि आपका जिगर मजबूत है, यदि आपका जिगर मजबूत है, ऊपर का होंठ बड़ा और अच्छा है, रक्त एकदम शुद्ध है और आंखों की ज्योति सही है, तो माना जाता है कि मंगल शुभ है। मंगल के शुभ होने का अर्थ है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। यदि कुंडली में मंगल मेष वृश्चिक या मकर राशि में सूर्य बुध एक जगह पर बैठे हैं या दसवें भाव में मंगल है, तो माना जाता है कि यह भी मंगल नेक का होता है। मंगल नेक का अर्थ है कि हनुमान जी की आप पर कृपा है। यदि आपके हाथों में मंगल रेखा स्पष्ट नजर आ रही है, तो निश्चित ही हनुमान जी की आप पर कृपा है। लेकिन इसमें एक शर्त यही है कि आप बुराइयों से दूर रहेंगे तो ही लाभ होगा। ये बात जान लीजिए, आप बुराइयों से दूर रहेंगे तो ही लाभ होगा। हनुमान जी की हमेशा कृपा पाने के लिए आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर करें। हनुमान चालीसा धीरे धीरे काम नहीं करती है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो बुदबुदा के काम किए जाते हैं, लेकिन ये चालीसा है और जहाँ पर हनुमान जी की पावर को दर्शाया गया है, उनकी सिद्धियों को बताया गया है, तो ऐसे में आप तेज तेज अगर बोलेंगे तो वो ज़्यादा काम करती है। घर में वाइब्रेशंस होते हैं, नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं पाती है। सभी लोगों पर बजरंग बली कृपा बरसाएं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं, अभी तक के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।